तो 45 डेज सीरीज़ का ये है क्लास नंबर 11। इससे पहले हम 10 क्लास कर चुके हैं, और इससे पहले वाली वीडियो में जब मैंने जैन धर्म के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे वीडियो पॉज हो गई थी, जिसकी वजह से वो शायद जितनी भी चीज़ें मैंने जैन धर्म के बताया था वो तो वो शायद वीडियो पॉज थी तो वो वहाँ पे आया नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो मैंने उसके बाद देख लेता हूँ, हर एक वीडियो बनाने के बाद मैं सुन लेता हूँ कि क्या वॉइस का तो इशू नहीं है या ऐसा कुछ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, जैन धर्म के बारे में। फिर भी यह है कि आपको क्या करना है, जैसे जैन धर्म, जैसे यहाँ पर बौद्ध धर्म है स्क्रीन पर, तो वीडियो पॉज करके एक बार यहाँ पर पढ़ लेना खुद से। ठीक है, जैन धर्म का थोड़ा बहुत यहाँ पर हुआ था, वो चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया। आज का क्लास नंबर 11 में आज हम कवर करेंगे बौद्ध धर्म को। आज का टॉपिक हमारा एक ही रहेगा, बौद्ध धर्म, क्योंकि हमारा स्टैटिक का आज का टॉपिक रहेगा फेस्टिवल। फेस्टिवल अगर आपने इससे पहले चीज़ें पढ़ा होगा, लास्ट ईयर पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत वो ईजी लगेगा, लेकिन स्टैटिक के जितने भी टॉपिक अभी मैंने स्टार्टिंग में कराए सब टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपको बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन ज़्यादा मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और 80-90% क्वेश्चन चांसेस रहते हैं कि उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म आज हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज में, और स्टैटिक में हमारा रहेगा फेस्टिवल, और जो करंट है उसमें हमारा स्पोर्ट्स सेक्शन रहेगा जहाँ पे हम क्रिकेट वाले को कवर करेंगे। इसके बाद वाले में हमारा फिर नेशनल न्यूज़ स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हम स्पीडी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो इसलिए वो पीडीएफ जित दोनों ही बायलिंगुअल है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो इंग्लिश वाले पीडीएफ से कर लेना करंट अफेयर्स को, और हिंदी वाले हिंदी से कर लेना। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैंने बता दिया कि इससे पहले वाली क्लास में जैन धर्म जब मैंने पढ़ा था तो वहाँ पर वीडियो पॉज हो गया था, जिसकी वजह से जितना मैंने जैन धर्म के बारे में पढ़ाया होगा वो वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे जब आप जैन धर्म कर रहे होंगे तो वहाँ पे वीडियो पॉज करके वो चीज़ आप कर लेना। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इन शॉर्ट चीज़ें आपको करना है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जन कब, इन्हें एक टाइटल दिया गया लाइट ऑफ एशिया भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जन्म कब होता है, 563 ईसा पूर्व में, और कहाँ पे, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में। इनके पिता का नाम पूछा जाता है सुद्धोधन, और इनका कुल जो है बहुत बार साक्ष्य है। माता का नाम अगर बोलेंगे तो माया देवी, जो जैन देवी थी, इनकी माता जो है इनकी डेथ हो गई थी, तो इनका जो पालन पोषण इनकी सौतेली माँ जिनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी ने की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और इनका विवाह किसके, कौन से एज में ही पूछा जाता है, 16 साल में इनका विवाह हो गया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, और बेटे का नाम क्या था, राहुल। तो डिटेल में इतनी चीज़ें हमें नहीं करनी है, मैन जो जो पॉइंट है इन शॉर्ट चीज़ें हमें कवर करना है, क्योंकि जो भी पॉइंट यहाँ से मिस हो जाएगा वो हमारा PYQ में कवर हो जाएगा। जैसे मिड हिस्ट्री हमने करा, तो मिड का PYQ का PDF भी मैंने दिया था, और वीडियो भी मैंने बनाया था 500+ क्वेश्चंस का। तो टॉपिक वाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएगा, मिस हो जाएगा, वो आपका PYQ में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे वैसे आपके नोट्स भी सामने हैं, और वैसे आपको याद भी करना है याद क्या। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब गौतम बुद्ध बाहर निकले थे तो उन्होंने चार दृश्य देखे थे, कौन कौन से, और ये सीक्वेंस में ही चीज़ें रखना। सबसे पहले उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति, फिर सबको देखा, और फिर एक सन्यासी। अच्छा, गौतम बुद्ध ने घर जो है कौन से एज में छोड़ा था, 29 ईयर में उन्होंने घर छोड़ा था। इस जो घटना है इसे क्या कहते हैं, यानी धर्म, यानी घर छोड़ने की जो घटना है उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। पहले गुरु जिनसे ये मिले थे अलारक्राम, और 6 साल की इन्होंने तपस्या की थी, उनके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 एज में, यानी 35 साल की उम्र में, कहाँ पे, बोधगया में। इनके बाद, इसके बाद इनको क्या बोला गया, बुद्ध बोला गया। क्वेश्चन आएगा कि इनका पहला उपदेश, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया, सारनाथ यानी ऋषिपट्टनम, और इस घटना को क्या बोला गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। ठीक है, भाषा कौन सी भाषा, पाली भाषा, और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए, श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म को मानने वाले जो राजा थे उनमें से पूछ लेता है बिंबिसार कौन से धर्म को मानता है, प्रसन्नचित हो गया उदयन, ये सब कौन थे बौद्ध धर्म को मानने वाले। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, 80 साल की एज में, यानी 483 में, कहाँ पे, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है, देवरिया, कुशीनगर में देवरिया, और यहाँ पड़ता है UP में। इस घटना को क्या बोला गया है, महापरिनिर्वाण बोला गया है। ठीक है, अच्छा, त्रिरत्न बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध धर्म और संघ, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। बौद्ध संगीतियाँ, चार बौद्ध संगीतियाँ, इनका टाइम पीरियड पूछा हुआ है, राजा का नाम। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के टाइम पे, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक के टाइम पे, और चौथा कनिष्क के टाइम पे। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई, दूसरा 383, तीसरा 250, और चौथा 98। ईयर कहीं पर अलग अलग भी दिया रहता है, इसलिए इतना जो चीज़ें आस पास ही रहेगा अगर एग्जाम में आएगा तो। पहले कहाँ पर हुई थी, राजगृह में, दूसरी कहाँ पर हुई थी, दूसरी हुई थी वैशाली, और तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलवन। तो ये जो कुछ कुछ मेन पॉइंट जो पूछे जा सकते हैं बौद्ध धर्म से, वो चीज़ें हमने कवर करी है।
एक बार इन शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी यानी नेपाल। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी। उनके सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी। कौन से कुल से थे गौतम बुद्ध? शाक्य। उनका विवाह जो है कौन सी उम्र में हुआ था गौतम बुद्ध का? 16 साल में। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोद्रा। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल। इन्होंने जब ये पहली बार बाहर निकले तो क्या चार चीज़ें उन्होंने देखी थी? पहला, इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को, फिर उन्होंने एक शव देखा और फिर एक सन्यासी देखा। कौन से एज में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था? 29 ईयर में। उनके पहले गुरु जिनसे ये मिले थे आलानक्रम। कितने साल बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? 6 साल बाद। कब? कितनी एज में? 35 साल की एज में। पहले सबसे पहले ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ इन्हें? बौद्ध गया में। इसके बाद इन्हें क्या नाम बोला गया? गौतम बुद्ध। सबसे पहला उद्देश्य इन्होंने कहाँ पे दिया? सारनाथ ऋषिपट्टनम, जिसे क्या बोला गया? धर्मचक्र परिवर्तन। कौन सा भाषा के यूज किया था? पाली भाषा। सबसे ज़्यादा उपदेश बोलेगा गौतम बुद्ध ने कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ राजाओं के नाम बोलेगा, जैसे बिंबिसार। कौन से धर्म को? पश्चिमचित बोलेगा। कौन से धर्म को? उज्जैन। तो तीनों ही कौन से धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 80 साल में। कहाँ पे? 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर आएगा या फिर हो सकता है देवरिया दे दे, और या फिर स्टेट दे दे कहाँ पे? यूपी। इस घटना को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बहुत बार पूछे हुए कौन कौन से हैं? बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म की चारों संगतियाँ कहाँ कहाँ पे हुई? पहले तो पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। हो सकता है इनका ईयर भी पूछ लें। पहला 483, दूसरा 383, तीसरा 250 और फोटा 98। राजाओं के नाम से नहीं, पहली बहुत संगति किस राज्य के काल में, दूसरी किसके टाइम पे थी, तीसरी फोर्ट ऐसे टाइप है। तो पहला अजाशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। तो इसमें हमने बौद्ध धर्म को ही कवर किया, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक का एक टॉपिक है फेस्टिवल आज के, उसमें ताकि जो वर्क लोग ज़्यादा ना हो जाए। इसलिए टेम्पल अगर फेस्टिवल अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो इस 45 क्लासेस का यही एक मोटिव है कि आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा बहुत पहला पढ़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा तभी क्लासेस आपको समझ में आएंगी, तभी आपको थोड़ा बहुत वो सुने रहे थोड़ा समझ में आएगा, और इन शॉर्ट जितने भी चीज़ें लिखी हुई है वो चीज़ आप समझ पाओगे कि कैसे क्या चीज़ लिखा हुआ है। और ये एक क्विक रिवीजन है, यानी एग्ज़ाम टाइम पे आप 2-3 बार भी अगर देखते हो वीडियो को, या 2-3 बार भी आप रिवीजन करते हो, तो आराम से चीज़ें आपका, इनसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका मिस नहीं होगा। स्टैटिक बहुत ज़्यादा, स्टैटिक में हम पहले उन्हीं टॉपिक को कवर करा रहा हूं जो आपका इंपॉर्टेंट, जिनसे 80% चांसेज होते हैं क्वेश्चन आने के। तो नेक्स्ट वीडियो से यानी क्लास नंबर 12 से हमारा मगध स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर हमारे एक डायनेस्टी सुंग डायनेस्टी, हर एक डायनेस्टी, जैसे नंदा डायनेस्टी, फिर सिकंदर आ गया था बीच में, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, बिंदुसार, अशोक, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जैसे वर्धन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी, सातवाहन हो गया, कुषाण हो गया, ठीक है, उसके बाद चोल हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हमें कवर करना है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है और यहाँ पे हम पूरा डिटेल में चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपका रह जाएगा इन डायनेस्टी से, या जो भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज रह जाएगा, तो PYQ में कवर हो जाएगा। तो दो चीज़ें करनी है, तो टारगेट आपको डेली कवर करना है, डेली यानी 45 डेज में ही, 45 डेज ही इस 45 क्लासेस को पूरा करने में लगना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टैटिक का टॉपिक, हमारा है फेस्टिवल। तो फेस्टिवल थोड़ा बहुत लेंथी टॉपिक है, और थोड़ा बहुत अगर पहले पढ़ा हुआ है, लास्ट ईयर पढ़ा होगा स्पीडी बुक में, तो फिर वो इजी रहेगा। बाकी फेस्टिवल करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इनको रिलेट करके करना है, यानी कनेक्ट करके करना है। जितना आप कनेक्ट करोगे खुद से ही कनेक्ट करोगे, इतना ज़्यादा याद होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, ये स्पीडी में अगर लास्ट टाइम पढ़ा होगा, या लास्ट टाइम आपने प्रिपरेशन की होगी, लास्ट टाइम फेस्टिवल करके गए होंगे, तो बहुत सारे तो ऐसे मिलेंगे जो आपने सुने होंगे, यानी कुछ नए मिलेंगे, उनको कनेक्ट करके चीज़ें कर लेना तो ईजी पड़ जाएगा। आंध्र प्रदेश के फ्लेमिंगो लास्ट टाइम भी था उसमें स्पीडी में, फ्लेमिंगो हो गया, कल्याण उत्सव हो गया, येलम्मा जतारा हो गया, दुर्गा माँ। इंपॉर्टेंट जिसके आगे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वो तो याद ही होना चाहिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश का सोलुंग, ड्री हो गया, लोशार हो गया, जो एक ट्राइब भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ट्राइब भी पूछा जाता है, बट ये अपडेटेड क्लास में चीज़ें मैं करा दूँगा, कौन सा ट्राइब कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और ये कौन से मंथ में मनाया जाता है, कौन से ट्राइब मनाती है, ये चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएगा। मोपिन जो है सांगकेंग हो गया, पांगशाऊ। असम का जैसे बिहू फेमस है, बैसागू फेमस है, बेखू फेमस है, अम्बुआजी। तो इन शॉर्ट अगर चीज़ें आप करना चाहोगे, इन शॉर्ट जैसे चीज़ें, जैसे बीस असम बिहू आपको पता है, तो बिहू से आपका बैसागू भी कनेक्ट हो जाएगा, और बिहू से ही आपका बैखू भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सिर्फ तीनों असम हो गए, बाकी में इसमें देहिंग में तीन वर्ड हैं, तो देहिंग यानी असम का तीन वर्ड आ जाएगा। अम्बुबाची, अम्बू में ए सी स्टार्ट हो रहा है तो असम आ जाएगा। मिड डे मीफ में मी डे मीफ तीन है, तीन ही है,
तो यहाँ पे आश्रम याद आएगा। तो यही चीज़ है कि आपको एलिमिनेट करना है, चीज़ों को ऐसे कनेक्ट करना है ताकि आपका याद हो जाए जल्दी। बिहार, बिहार का जैसे बीच है तो बिहुला हो जाएगा। सौराय सरहुल कर्मा छठ पूजा, कर्मा बिहार के डांस फॉर्म में भी आया था सौर, ठीक है। जीतिया झीझिया आया था वहाँ पे डांस फॉर्म में, तो जीतिया वैसे हो जाएगा। शाम चकेवा छठ पूजा, हर छत्तीसगढ़ का हरेली मंडई, ठीक है। पोला भोजली छेरा मेघनाथ पर्व, ये सब आ जाएगा। गोवा अगर याद करना है तो गोवा में सेंट फ्रांसिस एक चर्च भी है गोवा का, वैसे भी कनेक्ट हो जाएगा। बोर्ड्रम, गोवा जाओगे तो बोर्ड नहीं होगे, ठीक है। इस टाइप से गोवा जाओगे तो अंगूर अंगूर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। साओ जुआओ, तो ये तो वैसे भी आएगा, साओ जुआओ गोआओ, ठीक है। ये तो फेमस है वहाँ का। थ्री किंग्स, ठीक है, गुजरात। तो चीज़ें कनेक्ट करने से मतलब है, ठीक है, कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर कनेक्ट करो, जैसे गुजरात मोटेरा, तो मोटेरा स्टेडियम सुना है गुजरात का, मोटेरा जिसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम हो गया, ठीक है, नाम चेंज हो गया, तो मोटेरा वहाँ से कनेक्ट हो जाए। अब स्टेडियम है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर खेल होता है, खेल होता है, कौन सा खेल होता है, पतंग का होता है, पैराग्लाइडिंग का होता है, ठीक है। कौन खेलता है, माधव खेलता है, और कच्छ का रण, ये तो पता ही गुजरा। तो इस टाइप से क्या हुआ कि हमने एक ही वर्ल्ड से, एक ही चीज़ से हमने सब चीज़ें कनेक्ट कर दी। तो कनेक्ट करना पड़ेगा, जितना आप कनेक्ट करोगे उतनी जल्दी वो चीज़ें याद होंगी, बस खुद से ही चीज़ें कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हरियाणा का, हरियाणा में पिंजौर, ठीक है, गुगा नवनीत फेस्टिवल भी था और डांस फॉर्म भी था। गढ़गोड़, गढ़ यानी राजस्थान के आसपास पड़ेगा, तो राजस्थान से कनेक्ट करता हुआ हरियाणा। सूरजकुंड मेला वहाँ का फेमस है हरियाणा का। हिमाचल प्रदेश हालडा साजो नलवाड़ी चैत्र नवाद गौची। झारखंड का सरहुल, ठीक है, और ये सरहुल ये सब तो हमने पढ़ा था डांस फॉर्म में भी, जैसे सरहुल सौराय ये सब तो हमने वहाँ पे ही पढ़ा था। भक्ता परब फगुआ वहाँ पे भी आ गया था, डांस फॉर्म में भी आया था, ठीक है। सौराय वहाँ पे, तो डांस फॉर्म जो भी आए थे वो हमारे फेस्टिवल में भी रिपीट हो जा रहे हैं। तो या तो डांस फॉर्म अच्छे से कर लो या फेस्टिवल, तो दोनों चीज़ें होंगी। चांडी पर हो गया टूशू। कर्नाटक का हम्पी तो फेमस है, पट्टाकल हमारा टेंपल है कर्नाटक का, वो वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। कंबाला के से आ रहा तो कर्नाटक हो जाएगा, करगा के से आ रहा कर्नाटक हो जाएगा, कैलफोर्थ के से आ रहा कर्नाटक हो जाएगा। उगादी तो वहाँ पे फेमस है, फेस्टिवल भी है। तो इस टाइप से चीज़ें क्या हो गया, फेस्टिवल आ रहा, वो चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जा रही हैं, तो ईजी हो जाएगा। केरल का ओरम पता ही है, केरल का ओरम, केरल में जो भी है जैसे अट्टुकल पोंगल केरल का फेमस है, अट्टू हो जाएगा कनेक्ट। थैयम में तीन वर्ड है, थैयम ये डांस फॉर्म भी करोगे तो वहाँ पे भी थैयम आएगा, थेलम थैयम ऐसे करके, तो वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। काली, काली वाले जितने मैंने बोला था, काली वाले, ठीक है, काली वाले सब वो केरल में आते हैं जब मैंने डांस फॉर्म कराया था। बिशु, ठीक है, मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सब अलग है, कोई डांस फॉर्म से कनेक्ट नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश का मंडई एक थोड़ा कह सकते हो, मड़ई वाला आ जाएगा मध्य प्रदेश एम से। रशन वाक अक्षर हरीरी पीर बुधन गढ़गोड़ गढ़े, तो दो तीन बार चीज़ों को आप बोलोगे ना तो ऐसा तो नहीं कि सब चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, कुछ कुछ ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा, यानी याद रटना पड़ेगा। महाराष्ट्र का विठोना आपको पता है, विठोबा वहाँ के फेमस है। काला घोड़ा करो मस्त महाराष्ट्र फेमस है। गुड़ी पड़वा वहाँ का फेमस है। एलिफेंटा एलोरा एलिफेंटा सब महाराष्ट्र में। गणेश चतुर्थी फेमस है। कोजागिरी नारली, ठीक है, महाराष्ट्र के। मणिपुर में आओ सांग हो गया डोल यात्रा, ठीक है। लाई हरुआ तो डांस फॉर्म में भी आया था। कंगी रथ यात्रा चेरी ब्लॉसम चुम्फा। मेघालय का वांगड़ा नोक्रम बेडी, इस तो कोई भी याद नहीं कर रहा, ये तो डांस फॉर्म ही हो गए। मिजोरम में चापचार, लास्ट टाइम बहुत बार पूछा हुआ था लास्ट टाइम चापचार। मीमकूट, नागालैंड का तो हॉर्नबिल, ये फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। मोआसू सैक्रेनी ओंग किंग ओंग मिंग ये मशे। ओडिशी का छव हो गया, धनु यात्रा फेमस है ओडिशा का, ये दुनिया का सबसे बड़ा खुलावन, जो बैकेट में चीज़ें लिखी हुई ना इंपॉर्टेंट भी चीज़ है। राजा परबा हो गया, बली या बली जाता। कोणार्क तो फेमस है ओडिशा का, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ था इस बार कोणार्क वाला, ठीक है। मिट्टी कला महोत्सव हो गया, नुआखाई। पंजाब का होला मोहल्ला, बैसाखी तो पता ही है, गुरुपर्व पता है, लोहरी, तो बाकी तीन चीज़ें तो पता ही हैं आपको। तो चीज़ों को एलिमिनेट करना, जो चीज़ें पता है कि मेरे को 100% आती है उनको एलिमिनेट करो। जब आप चीज़ों को जैसे एलिमिनेट कैसे करना, जैसे मैं बता दूं, अब मुझे पता है कि पंजाब का बैसाखी हमें पता है, तो मैं उस बुक से ऐसे क्रॉस लगा दूंगा। मुझे पता है कि गुरु पर्व ज़्यादा गुरु गुरु गोविंद गुरु ये सब कहाँ पे है, पंजाब में कन्हैया लोहरी पंजाब में। तो जब मैं ये चीज़ें ऐसे बुक से हटा दूंगा तो मेरे पास से भी यही चीज़ें होंगे जो इसको हाईलाइट में कर लूँगा, और मुझे पता है कि जब मैं दोबारा रिविज़न करूँगा तो मैं पंजाब का मेरे को सिर्फ एक दिखेगा, तो इससे मेरे को लगेगा कि टॉपिक इतना बड़ा नहीं है। राजस्थान पता है मुझे, गढ़ पता है वहाँ पर, तो ज़्यादातर गढ़ हैं, तो हटा दूँगा। मोमाशर इसे मेरे को करना है, ठीक है। तो चीज़ें ये कि एलिमिनेट करना पड़ेगा, चीज़ें कनेक्ट करना पड़ेगा, जितनी चीज़ें कनेक्ट होंगी उतना बढ़िया है। पुष्कर मेरा पास मुझे पता है कि राजस्थान। बूंदी हमने कहाँ करा था, बूंदी जैसे फूंदी, फूंदी हमने किया था, चाहे डांस फॉर्म में आया था। चंद्रभागा
मत्स्य, कोलायत, मरुत हो जाएगा ना, मरु मरुस्थल राजस्थान से, सिक्किम का लोशुंग, शोनम, लोशार, सागादावा, तमिलनाडु का पोंगल, पोंगल ये सब पोंगल के चार टाइप, जल्लीकट्टू बताइए, थाईपुशम इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना का बोनालू, बथुकम्मा ये सब ठीक है, मेदाराम जतारा, अलाई बलाई, तेलंगाना, तेलंगाना दशहरा, तो चीज़ें कनेक्ट करना और एलिमिनेट करना है। त्रिपुरा खर्ची पूजा, संतरा, बीजू, होजगिरी, केर उत्सव, कंपुई, गड़िया पूजा, यूपी का कुंभ महोत्सव हो गया, कहाँ कहाँ लगता है, चारों जगह दे रखी है उन्होंने ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ पे लगता है ठीक है। काजली, कजली हाईवे, श्रावणी, कालिंजर, कालिंजर किला बताइए ना, शेरशाह सूरी वाला, नौटंकी, बटुकेश्वर, शाकुंभरी, उत्तराखंड फूलदेई, हरेला, घी, वेस्ट बंगाल का नवो बोरसो, दुर्गा पूजा फेमस है वहाँ का, जगदात्री, डोल फेमस है वहाँ का, गंगा सागर पता ही है, गंगा रिवर वहीं से वेस्ट बंगाल, ओ सॉरी बंगाल की खाड़ी में हो जाता है, पोइला, तिस्ता ठीक है, अंडमान निकोबार का समुद्र तट तो है ही, वहाँ पे मानसून है और मरियप्पन, चंडीगढ़ में रोज़, कैक्टस, गुलदावरी, दादा नगर में देवाशोल, तारपा, दिल्ली में ड्रोन, बसंत, हैप्पीनेस, लद्दाख का लोशार, हैमिस, हैमिस तो वहाँ फेमस है, सक्का दावा, साग दावा, कोरजोक, जम्मू कश्मीर हैलीफ, ट्यूलिप, शिकारा, खीर भवानी, टॉम्स, पांडिचेरी का ये सब। इसके बाद कुछ नववर्ष हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश का उगादी क्यों मनाया जाता है, वहाँ पे उगादी कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, क्यों, क्योंकि वहाँ पे नववर्ष के उसमें मनाया जाता है, मार्च अप्रैल में, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों मनाया जाता है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है ठीक है। गुड़ी पड़वा क्यों मनाया जाता है, चैत्र माह पहले दिन, महाराष्ट्र के नववर्ष के टाइम पे, वैशाखी हो गया, खालसा पंथ, सिस्टीन, पुनथोरी सब चीज़ें, विशु हो गया, लोशुंग हो गया ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा स्टैटिक में फेस्टिवल कवर हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत हम करेंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स सेक्शन देख लेते हैं, करेंट में हमारा क्रिकेट वाला हम आज कवर कर लेते हैं, इसके बाद हमारा अपॉइंटमेंट ये स्पोर्ट्स में कौन कौन, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ पे हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया इसमें जीत गया था, दक्षिण अफ्रीका हार गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी पूछ सकता है, एसली गार्डन ऑस्ट्रेलिया के, रणजी ट्रॉफी किसने जीता, सौराष्ट्र ने बंगाल को लाया था, और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही, अल्पित वाजदा सौराष्ट्र, महिला प्रीमियर लीग 2023 इसमें मुंबई इंडियंस जीत गई थी, और मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो हुआ था, तो इस टाइम हो सकता आ सकता है, दिल्ली की राजधानी, दिल्ली की कैपिटल, दिल्ली में की कैप्टन कौन थी, मैन लॉकिंग, सर्वश्रेष्ठ नेट साइवर, ये शायद बाकी चीज़ें आप दें, कैट ऑफ द सीजन कौन रहा है, कैच ऑफ द सीजन हरमनप्रीत, पर्पल कैप हेले मैथ्यूज, ऑरेंज कैप ठीक है, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, आईपीएल का थोड़ा बहुत पूछ लेगा, ईडन गार्डन कोलकाता ये सबसे स्थान, ऑरेंज कैप शुभमन गिल, पर्पल मोहम्मद शमी, प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड अजिंक्य रहने, कैच ऑफ द सीजन अवार्ड राशिद खान, मोस्ट वैल्यूएबल कौन थे, शुभमन गिल, ड्रीम इलेवन शुभमन गिल, सुपर स्ट्राइकर ग्लेन मैक्समैन, इमर्जिंग प्लेयर जयसवाल, सर्वाधिक चौके शुभमन गिल, सीजन का सबसे लंबा छक्का फॉफ डी प्लेफ है। 2022 के लिए आईसीसी अवार्ड किसे मिला था, सर गार्फी ट्रॉफी ये मिला था बाबर आजम पाकिस्तान को, और राचेल जो हीहो फिल्म ट्रॉफी नेट साइवर इंग्लैंड, और डेविड वाला ट्रॉफी मिला था रिचर्ड वाला। मैच मेंस क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट क्रिकेट ऑफ द ईयर बेन स्टॉक इंग्लैंड के थे, पुरुष वाले में बाबर आजम, महिला वाले में नेट साइवर, तो चीज़ें तो आपको याद करना है ठीक है, चीज़ें थोड़ा बहुत यह कि यहाँ पे वीडियो पॉज करके आपको चीज़ें याद करना है, बाकी थोड़ा बहुत यह कि बीसीसीआई वाला इतना नहीं पूछता है, बट फिर भी देख लेना एक बार, आईसीसी वाला ज़रूर देखना कि जनवरी में किसे कौन था, फरवरी मार्च ये वाला चीज़ें ठीक है। अब एक बार ग्रैंड फिक्स देख लेना, मैक्स वर्टेबल और सर्जियो पेरेज, क्योंकि ये देख इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है ठीक है। अदर स्पोर्ट में ये सब चीज़ें, फाइव खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ पे हुआ था, तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे हुआ था ठीक है। आईएसएफ वाला अगर पूछता है तो इतना वैसे ये सिर्फ पूछ लेगा, जैसे सरबजीत सिंह कौन से स्पोर्ट्स से है, मनु भाकर, तो ये चीज़ें तो थोड़ा स्पोर्ट्स का ये कर लेना ठीक है, किस खेल से रिलेटेड है। इसके बाद अगले वाले हम इंटरनेशनल न्यूज़ एक बार देख लेंगे ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी हम नेशनल न्यूज़ से स्टार्ट कर देंगे ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ में झारखंड में गोडा पावर प्लांट में बांग्लादेश को बिजली मिलेगी, इससे फिनलैंड नाटो का 31 मेंबर बना है, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला घाना देश बना है, सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है, सूडान में नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावरी स्टार्ट किया, और सारा नाम की दुनिया की पहले रोबोटिक यानी चेक इन सहायक का अनावरण, अमेरिका ने मधुमक्खियों की संख्या कम करने के लिए पहले टीके की मंजूरी दी है, चीन ने इसे की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन स्टार्ट की है, और मक्का की जो ग्रैंड मस्जिद है रोड पर दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल
पेंटिंग लगाई गई। मिस्र जो है वो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। नेशनल न्यूज़ में हम स्टार्ट करेंगे, नेशनल न्यूज़ जैसे ही हो जाएगा उसके बाद जो है स्टेट वाइड न्यूज़, और इसके बाद हमारा अगले दो या तीन क्लास में हमारा हो जाएगा क्या स्पीडी वाली बुक भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चीज़ें करंट अफेयर्स में दो बुक ऐसे चल रही है, तो पहले तो ये PDF कवर करना है, उसके बाद हमारा स्पीडी वाला भी है। ठीक है, तो अब क्लास नंबर 13 में हमारा कवर होगा, मगध से स्टार्ट हो जाएगा, और मगध जो है 13 यानी अगले तीन या चार क्लास में हमारा एंशिएंट ख़त्म करके फिर हमारा मॉडर्न, एक दो क्लास में मॉडर्न, और फिर हमारा अगले तीन क्लास में शायद आपका एंशिएंट चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, उसके बाद आपका अगले उसके तीन क्लास में मॉडर्न, और उसके बाद हमारा पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,